तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं विजय चमोला, अपने यूट्यूब चैनल विजय चमोला से और पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों से। तो चलते हैं ब्लॉग को करते हैं शुरू। ब्लॉग होने वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग। और आज सुबह सुबह मछली का जो है ऑक्सीजन वाला पाइप चला नहीं, और ऑक्सीजन वाला पाइप नहीं चलने के कारण ये देखिए आप, ये तीन मछलियाँ मर चुकी हैं। और लेके आया था मैं इनको नदी से, तो ये अचानक तीन मछलियाँ एकदम ख़त्म हो चुकी हैं। और दिखा तो मैं आपको कि कौन सी मछलियाँ थी। तो ये देखिए, ये थी तीन मछलियाँ और ये बिल्कुल ही हो चुकी हैं अब फिनिश, एकदम लास्ट स्टेज में। तो हमारे यहाँ होती हैं ये वाली मछलियाँ, तो आपके यहाँ होती हैं कौन सी वाली जरूर बताइए। तो हमारे यहाँ रोहू पाई जाती है, और ये लगभग गाड, गदेरा, इनमें भी बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तो ऐसी मछली कुछ दिखाई देती हैं रंग बिरंगी टाइप की, और ये हो गई अचानक ख़त्म। और अभी अपने एक्वेरियम से निकाला, तो आप भी अपने एक्वेरियम में ज़रूर देखा कीजिए कि उसका ऑक्सीजन सिलेंडर चल रहा है नहीं, पाइप लगा हुआ है या नहीं, या उसमें जो हीटर लगता है वो सही है या नहीं। तो ये मरी, दिखा तो मैं आपको अपना एक्वेरियम भी कि फिर और मछलियां तो नहीं मर गई हैं, क्योंकि मैं जैसी घर आया तो वैसी निकाली मैंने ये वाली मछलियाँ। तो हेलो फ्रेंड्स, ये है मेरा एक्वेरियम और इसमें है इतनी विभिन्न प्रकार की मछलियाँ। तो यहाँ नीचे रहा करती थी एकदम रोहू इधर नीचे की ओर, ये देखिए एक और है उसी के साथ ही, ये वाली जो हमारे यहाँ मछलियाँ पाई जाती हैं ऐसी, ये है रोहू ये वाली। तो ये सारी की सारी तो मैं देहरादून से लेके आया था, और ये भी उल्टी हो चुकी थी लेकिन अब हो चुकी हैं बिल्कुल सही। तो ये थी मछलियाँ, और अगर आपको एक्वेरियम है तो आपको बहुत ही सेफ और सुरक्षित रखना पड़ेगा इनको। और मेरे तो अभी सब कुछ ठीक है फिलहाल, और मछलियाँ तो कुछ भी नहीं हुई हैं, क्योंकि वो मछलियाँ ऐसी थी कि वो नहीं सर्वाइव कर पाती है बिना ऑक्सीजन के, तो इसलिए ऐसा कुछ हो गया। तो चलते हैं ब्लॉग को करेंगे, पूरे दिन भर दिखाऊंगा कि ब्लॉग में होता है क्या क्या। तो अभी तो कुछ यूँ ही था, इसके बाद दिखाऊँगा कि क्या क्या होता है ब्लॉग में। तो हेलो फ्रेंड्स, शाम का वक्त है और टाइम हो चुका है 4, और हम हैं इस समय सबसे ऊपर वाली फ्लोर में, और हो रहा है कुछ यूँ काम। तो ऐसी जाली लगने वाली है, और उधर ताबीज़ काम कर रहा है, वो देखिए वो है ताबीज़ काम कर रहा है, वो संदीप है, वो ताबीज़ का भाई। तो काम हो रहा है यहाँ पे, और ये है हम सबसे टॉप वाली फ्लोर। यहाँ से आ जाते थे कभी कभी बंदर अंदर, तो ये सारे के सारे जितने भी पौधे थे इनको कर देते थे ख़राब। अब पौधे रहेंगे बाहर पर तो धूप भी मिलती रहेगी पौधों को, और पौधे भी नहीं होंगे ख़राब। तो ये था मकसद इस जाली वाले दरवाजे को बनाने का। तो हम हैं इस समय गौरी मेमोरियल पब्लिक इंटर कॉलेज में, और हाँ कैसा लगा ब्लॉग जरूर बताएं, और कल मैंने जो ब्लॉग डाला था वो कैसा लगा जरूर बताएगा। तो पूरा ब्लॉग बताऊंगा मैं कि पूरे ब्लॉग में होता है क्या क्या। तूने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है? मोबाइल ही नहीं जो सब्सक्राइबर करा रहा भाई, मोबाइल ही नहीं है भाई का बात हो रहा है। तो ऐसे करके पूरा वेल्डिंग का काम बहुत ही चाहता। तो हेलो फ्रेंड्स, ये हूँ मैं स्कूल के सबसे टॉप वाली फ्लोर पे, और आज करा ये वाला काम। तो ये पूरा काम पूरी जाली लग चुकी है देखिए आप ऊपर, और बिल्कुल हो चुका है सेफ और साफ काम। तो ये बिल्कुल ऐसा, क्योंकि ये देखिए आप, ये सारे के सारे तोड़ देते थे, और अब ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कल मैं ये बिल्कुल ठीक कर दूँगा और ये पाइप भी ले लूँगा अंदर। तो अब हो चुका है बिल्कुल एकदम से, तो उधर भी नहीं आ पाएंगे बंदर और इधर से भी नहीं आ पाएंगे। तो अब बंदरों से मिल जाएगा निजात, और मैं लगा दूंगा ये इधर नीचे सारे के सारे गमले, और ये देखिए आप बिल्कुल ही सेफ हो गया है। यहाँ से ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, अब ऊपर बिल्कुल हो चुका है ऐसा, देख रहा आप जाली लग चुकी है। पहले हमने ये भारी वाली जाली लगाई थी, तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है इसकी, लेकिन ये जो अब की बार नया प्लान बना कुछ यूँ इस तरीके का, और ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है सेफ और सुरक्षित दीवार। तो कैसा लगा ब्लॉग जरूर बताएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।